तो पॉली ब्लाइंड क्या हुआ, ये स्टोरी सुनेंगे हम एनसीईआरटी से आते हैं, ठीक है जी। प्लास्टिक का द केस स्टडी ऑफ रेमेडी फॉर प्लास्टिक वेस्ट, दिख रहा है आपको, निकालो सारे। ये बहुत सिंपल स्टडी है, देखो इन्होंने क्या हुआ, बैंगलोर में एक प्लास्टिक सैक मैन्युफैक्चरर था, सैक मतलब प्लास्टिक की थैली बनाने वाले एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। उनको रियलाइज हुआ कौन थे वो, अहमद खान थे, 57 ईयर्स ओल्ड, तो ऑब्वियसली ज्यादा होंगे होंगे, एनसीईआरटी अपडेटेड नहीं है इसमें, ठीक है। तो प्लास्टिक की पॉलिथिन बनाती थी उनकी फैक्ट्री, ठीक है। प्लास्टिक की पॉलिथिन उन्होंने बहुत साल बनाई, एंड देन अराउंड 8 ईयर्स बैक, ये एनसीईआरटी कहती है, अब डेटा फ्लक्चुएट हो गया क्योंकि अब तो काफी साल आगे आगे, तुमको यही याद रखना है कि 20 सालों तक उन्होंने बनाया और 8 साल पहले उनको रियलाइज हुआ कि ये जो प्लास्टिक है ना, ये धरती से जाता नहीं है, मतलब कि वो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि मैं इस पॉल्यूशन को कॉम बैक करूँ, क्योंकि ये पॉल्यूशन उन्होंने फैलाई ना काफी हद तक, अपने एंड से कॉन्ट्रीब्यूट किया, कॉन्ट्रीब्यूट हम सब ने किया, लेकिन उन्होंने रियलाइज किया कि मेरे से हुआ है तो मैं इसको थोड़ा बेहतर करना चाहता हूँ। तो ही रियलाइज दैट प्लास्टिक वेस्ट वॉज अ रियल प्रॉब्लम, उनको पता चला कि प्लास्टिक वेस्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बनाया पॉली ब्लेंड, ठीक है। पॉली ब्लेंड इज अ फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकल मॉडिफाइड प्लास्टिक, आपको वर्ड आएगा पॉली ब्लेंड, फिर आपको वर्ड आएगा बिटुमिन, ठीक है। तो अगर आप पंजाब में आए हो कभी तो आपने बड़ा कॉमन नाम सुना होगा, पलविंदर, उसको प्यार से पॉली बुलाते हैं। सो पॉली एंड बिट्टू कौन है, दोस्त है, ठीक है, पॉली एंड बिट्टू दोस्त है। तो पॉली ब्लेंड क्या होता है, पॉली ब्लेंड इज नथिंग, पॉली ब्लेंड होता है प्लास्टिक, आप प्लास्टिक के पार्टिकल लो, जैसे पॉलिथीन लो प्लास्टिक की, और उसको बिल्कुल तोड़ दो, इतना छोटा छोटा कर दो, उसको उसको कण कण पाउडर फॉर्म में आ जाए वो। तो प्लास्टिक के पार्टिकल्स लो और उसको मिक्स कर दो बिटुमिन के साथ। व्हाट इज बिटुमिन, आपने कभी सड़के भी छाते हुए देखा, ब्लैक ब्लैक कलर का रोड प्ले करते हैं, बिटुमिन। तो प्लास्टिक के पार्टिकल और बिटुमिन को बुलाओगे तो आपका क्या बन जाएगा, पॉली पॉली ब्लेंड। देखो पॉली मतलब यहाँ से पॉलिथीन लेते हैं, ठीक है, इसको इजी कर लेते हैं। तो पॉलिथीन के अंदर अगर आप बिटुमिन डालोगे तो आपका बन जाएगा पॉली ब्लेंड, ये इसकी कॉन्स्टिट्यूशन है। पॉली ब्लेंड है क्या, एक बहुत प्यारा सा, बहुत अच्छा सा, फाइन सा, सॉफ्ट सा पाउडर है जो रिसाइकल मॉडिफाइड प्लास्टिक से बना, मतलब जो प्लास्टिक अब यूज का नहीं था ना उसको रिसाइकल करके इन्होंने बनाया, ठीक है। अब इस मिक्सचर को क्या करते थे, इसको बिटुमिन के साथ मिक्स कर देते थे, बिटुमिन के साथ जब आप इसको मिक्स करते हो ना पॉलिथिन के पाउडर को, तो क्या होता है कि देखो सड़क बनाने के लिए बिटुमिन तो डाल रहे थे, अब आपने उसमें पॉलिथिन के पार्टिकल डाल दिए, पॉलिथिन क्या पानी क्रॉस कर पाता है, नो मैम। तो इससे क्या हुआ, वाटर रिपेलिंग कैपेसिटी ज्यादा अच्छी हो गई। तो मतलब अगर रोड बिछाया और उसपे बारिश हो रही है तो रोड्स क्रैक होने के चांसेस कम होंगे, अब रोड्स की लाइफ ज्यादा इंक्रीज होगी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो प्लास्टिक का वेस्ट है हम उसको ऐसे यूज कर सकते हैं। इस काम में उनकी मदद करी थी आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की इन बैंगलोर, क्योंकि बैंगलोर का ही केस है ये, तो बैंगलोर के इंजीनियरिंग कॉलेज ने इनकी मदद करी थी, ठीक है जी, समझ में आया। प्रॉफिट क्या है ना, एक क्वेश्चन आएगा प्रॉफिट्स क्या, आना भी चाहिए भाई, इस आपने रोड ऐसा बचाया इसका मदद क्या हुआ। अगर आप ऐसा रोड बिछाते हो ना तो रोड वाटर रिपेलेंट बनता है, तो क्रैक्स नहीं पड़ेंगे, पहला प्रॉफिट तो ये, ठीक है। दूसरे बात, इट इंक्रीज द रोड लाइफ बाय अ फैक्टर ऑफ 3, मतलब 3 गुना ज्यादा रोड की लाइफ होगी। अगर मेरे यहाँ सड़क लेट से 5 सालों में खराब हो रही है तो उसको 3 गुना ज्यादा दे दो, वहां जाके 15 सालों में खराब हो, ठीक है, उसकी 3 गुना ज्यादा जिंदगी बढ़ेगी, ठीक है, क्लियर है। उन्होंने क्या किया, जनरली लोग जो होते हैं ना, अगर कोई कूड़ा उठाने वाले देखे होंगे जो प्लास्टिक उठाते हैं, तो उनको 1 केजी प्लास्टिक के लिए 0.40 पैसा मिलते थे, लेकिन अहमद खान उनको कितने देते हैं, 1 केजी प्लास्टिक के लिए 6 रुपए देते हैं, राइट। उसके बाद ये डेटा देते हैं कि 2002 तक मोर देन 40 किलोमीटर्स रोड जो बैंगलोर के थे ना वो बिटुमिन से ले कर दिए गए थे, बट अब क्या है, पॉलीब्लेंड से ले कर दिए गए थे, पर अब क्या ये बंद कर दिया, बिकॉज वे रियलाइज कि इसका ड्रॉबैक क्या होगा। What do you think the drawback would be? मैम ये डिग्रेडेबल नहीं होता, ये डिग्रेडेबल नहीं है क्योंकि पॉलिथीन मिक्स है। अब देखो जब पानी रिपेलेंट है ये, तो जो पानी गिरा नीचे क्या वो धर सरफेस को क्रॉस करके अंडर वाटर वाटर बन पाएगा, जाता एक वो दिक्कत होगी, और दूसरा ये माइक्रो प्लास्टिक है, माइक्रो प्लास्टिक कहीं ना कहीं उड़ के हमारे सिस्टम में आएंगे आएंगे अगर हमने उनको सड़कों पर उठा दिया तो माइक्रो प्लास्टिक के वेस्ट की वजह से अब ये रोक दिया जाए। पर एक बहुत अच्छा टेक्निक था ये बताने के लिए कि यार और भी तरीके यूज किए जा सकते हैं नेचर को बचाने के लिए, राइट। देखो पॉली ब्लेंड अ फाउंड पाउडर ऑफ रिसाइकल मॉडिफाइड प्लास्टिक हैज प्रूव्ड टू बी अ गुड मटेरियल फॉर, आंसर वुड बी
कंस्ट्रक्शन रोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, यस गुड। थोड़ी देर में हम आगे इसका एक फ्लो चार्ट भी बनाएंगे, तो देखेंगे हमें कितना याद है या नहीं। चलो डू क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू। प्रीति बेटा माइक बंद कर ले। ओके देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द मोस्ट सुटेबल फॉर डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। न्यूक्लियर वेस्ट क्या होता है? आपने न्यूक्लियर मटेरियल सुना होगा। देखो मैंने आपको वो डॉक्यूमेंट्री भेजी थी, बड़ी देखी थी क्या? न्यूक्लियर मटीरियल स्पेशल टाइप और एलिमेंट से बना होता है, जिनका काम क्या होता है, वो बहुत अनस्टेबल होते हैं। तुम खुले में रखोगे उसके इलेक्ट्रॉन इधर उधर जंप करने लग जाएगा, अपने आप डिके करने लग जाता है ये। और जब भी इलेक्ट्रॉन इधर उधर जंप करता है बहुत एनर्जी रिलीज करता है। तो एक न्यूक्लियर मटेरियल एज ए एनर्जी सोर्स बहुत अच्छी चीज है। थोड़ा सा न्यूक्लियर मटेरियल बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट कर सकता है, और अगर हम उसको ढंग से यूज करें तो बहुत सारा सिस्टम हम सपोर्ट कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर मटेरियल एज अ एनर्जी सोर्स बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। कम इसका यूज होगा, कम यूज में बहुत एनर्जी बन जाएगी। इट इज लाइक आप कम पैसे दे रहे हो, लेकिन लेट्स से आप 100 रुपए दे रहे हो, आपके पूरे महीने का राशन आ रहा है, तो वो तो अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि न्यूक्लियर जो वेस्ट होता है उसको डिस्पोज ऑफ करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि न्यूक्लियर जो भी मटीरियल है उससे निकलती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ये जो रेडिएशन होती है, अगर इसके कॉन्टेक्ट में कोई भी लिविंग बींग आएगा तो उसके बॉडी में बहुत सारी म्यूटेशंस हो सकती है, और म्यूटेशन कैन लीड टू अ लॉट ऑफ काइंड ऑफ डिजीजेस, ठीक है। और रेडिएशन का क्या है कि अगर जैसे इस रूम में न्यूक्लियर मटेरियल है तो मेरे लैपटॉप के आसपास भी रेडिएशन आ जाएगी, तुम्हारे फोन के आसपास भी रेडिएशन आ जाएगी अगर तुम्हारे वहां पर है। तो अगर मैं बेशक उससे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट नहीं कर रही, पर मैं अपने लैपटॉप को कॉन्टेक्ट कर रही हूँ, तो मेरे को वहां से भी रेडिएशन पास ऑन हो सकती है, ठीक है। तो न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज करना इज अ वेरी डिफिकल्ट मैथड। ये बात समझ आई? तो ये बात कहीं लिख लो, न्यूक्लियर एनर्जी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का सोर्स अच्छा है ये। प्रॉब्लम क्या है? रेडिएशन प्रॉब्लम है डिस्पोजल ऑफ इट्स वेस्ट, क्योंकि हर चीज का कोई ना कोई वेस्ट निकलता है। तो इस डिस्पोजल ऑफ इट्स सेफ वेस्ट of its waste ऐसा हमारे पास अभी तक कोई तरीका नहीं है जिससे हम न्यूक्लियर वेस्ट को सही तरीके से हटा सके नेचर से। लिटरली अभी तक ऐसा कोई तरीका डिजाइन हुआ ही नहीं है, हमेशा खतरा रहता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर वेस्ट के बारे में बताते हैं, न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल का तरीका क्या है। आफ्टर प्री ट्रीटमेंट, अगर आपके पास लेट्स से ये न्यूक्लियर वेस्ट है, ठीक है, रेड से ये रेडियम था, रेडियम के रोड का जो न्यूक्लियर वेस्ट निकला हमारे पास ये पड़ा है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ट्रीटमेंट देंगे कुछ, ठीक है। ट्रीटमेंट की डिटेल में तो आपको नहीं जाना है इसकी, लेकिन कुछ तरीके की ट्रीटमेंट यहाँ पे दी जाएगी। कंप्लीट तो मुझे भी नहीं पता कौन से एलिमेंट के साथ क्या दिया जाता है, लेकिन कुछ ट्रीटमेंट से इसको दिया जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इट शुड बी कैप इन ए शील्डेड कंटेनर, इसको डाल देंगे शील्डेड कंटेनर में। अभी एनसीईआरटी की लाइन से इसलिए इंपॉर्टेंट है, शील्डेड कंटेनर है जो कहीं से लीकेज नहीं करेगा, ठीक है। तो एक शील्ड वाले कंटेनर में इसको डाला हमने और इसको बंद कर दी, क्लोज होगा ये वेसल, ओपन नहीं होगा, ठीक है। और अब हम गड्ढा खोद देंगे, गड्ढा कितना गहरा खोदना है हमने, 500 मीटर डीप, हाँ। और फिर इस कंटेनर को वहां पर डाल देंगे रॉक्स, आपने कभी देखा ना सॉइल में बिल्कुल नीचे जाकर रॉक्स होती है सिर्फ, उधर इसको डाल देंगे और इसको मिट्टी से कवर कर देंगे, ठीक है। तो तुमको मैम हो तो गया ये डिस्पोज, दिक्कत क्या है भाई? दिक्कत ये है कि कंटेनर में मैंने डाल तो दिया, कंटेनर बाहर लीक ना हो इसका भी हम उम्मीद करते हैं। जैसे इस कंटेनर में ना बिटुमेन भी लगाते हैं, जो हमने पीछे रोड ले करने के लिए यूज करा है ना, वो इसमें हम ग्रेफाइट भी लगाते हैं, क्योंकि जनरली ग्रेफाइट जल्दी किसी चीज से रिएक्ट नहीं करता, तो बिटुमेन ग्रेफाइट हम लगाते हैं। लेकिन गारंटी थोड़ी ले सकते हैं यार कि लीकेज ही नहीं होगा, बाई चांस अगर लीकेज हुआ तो सारी रेडिएशन किस में मिल जाएगी, अंडरग्राउंड सॉइल में, अंडरग्राउंड मेनली वाटर में, हाँ दैट इज द मेजर प्रॉब्लम, ठीक है जी। This is the waste, nuclear waste treatment. Clear है?
Which of the following method is the most suitable for disposal of nuclear waste? देखो ये कह रहे हैं most suitable. इन्होंने भी नहीं कहा ना कि ये perfect है. इन्होंने कहा अभी तक हमारे पास सबसे बढ़िया तरीका क्या है. तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है? Bury the waste within rocks deep below the earth surface. ये सही बात है. खुला नहीं छोड़ सकते. तो आंसर वुड बी ए. ठीक है जी. चलिए नाउ ट्राई दिस वन. 9, 3 and 4 छोटे छोटे टॉपिक है ना, छोटे छोटे ही रह गए. एक सेकंड, मैं खुद को कोहस बना लेती हूँ. हो सकता है कोई बच्चा फिर बाहर फंस गया और हमें पता ना चले. देखो परिवार का है, इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से ना काफी बच्चे एग्जिट हो जाते हैं ना चाहते हुए भी. वो भी बेचारे क्या करे. चल डू दिस, डू दिस. अरे यार कौन रह गया. करो तुम. श्वेता और रानिया. ओके ओके रविता. चलो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट. ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ लेते हैं. नीचे आओ. द यूएन कॉन्फ्रेंस. यूएन स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस. क्या होती है? एक ग्रुप ऑफ बॉडी है. अच्छा हाँ बताओ बताओ. सॉरी क्या होता है यूनाइटेड नेशंस? ऑर्गेनाइजेशन है. हाँ ग्रुप ऑफ बॉडीज है मतलब इंडिविजुअल है. डिफरेंट देशों से एज ए रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, वो साथ बैठते हैं. तो इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन. ग्रुप ऑफ बॉडीज ऑर्गेनाइजेशन बोलो. ये क्या करती है? ये पूरे ग्लोबल लेवल पे पूरे धरती पर चीजों को डिस्कस करके इम्प्लीमेंट करती है. जैसे पूरी धरती में कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है तो यूएन क्या करेगी? कॉन्फ्रेंस रखेगी और सारे देश के लीडर्स को बुलाएगी. आपको देखा होगा पीएम जाते हैं, नरेंद्र मोदी अक्सर जाते हैं ऐसी जगहों पे, है ना. वो सारे देशों के जो भी मिनिस्टर्स हैं उनको बुलाएंगी. फिर वो बैठेंगे, वो बैठ के सॉल्यूशन निकालेंगे कि अच्छा कार्बन इमिशन बढ़ रहा है तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो क्या क्या कर सकती है कि कार्बन इमिशन कम हो. जो डेवलप कंट्रीज है वो क्या क्या कर सकती है कार्बन इमिशन कम. फिर वो डिस्कस कर लेंगे क्योंकि डेवलपिंग और डेवलप कंट्री का अलग अलग होता है. डेवलपिंग कंट्री इंडिया, हम लोग इंडस्ट्रीज को छोड़ नहीं सकते. डेवलप कंट्री यूएस, तो वहां पर ज्यादा हार्म क्रिएट होता है एक्चुअली, वो ज्यादा पॉल्यूट करते हैं एनवायरमेंट को. तो अलग अलग हम बना लेंगे कि हाँ भाई ये मेजर्स हैं हमारी कंट्रीज ले सकती है. और हम वादा करते हैं कि हम लोग आज से 20 सालों के बाद तक इसके मिशन को रोक देंगे क्योंकि प्लान थोड़े बड़े होते हैं. फिर क्या करेंगे वो, एक ये सब चीजें पेपर्स पे लिखते हैं कि ये कंट्री मतलब ये हमने करना है कार्बन डाइऑक्साइड के मिशन को कंट्रोल, ये उसका हेडिंग है. अब पॉइंट्स लिख देंगे कि इंडस्ट्रीज में ऐसा कंट्रोल करेंगे, स्कूल्स में ऐसा कंट्रोल करेंगे, या फिर हम जो गैस रिलीज होती है उसकी ट्रीटमेंट के लिए स्क्रबर लगाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगाएंगे. ठीक है. फिर जो कंट्री से एग्री करती है वो उसके नीचे साइन करती है. अब मान लो कोई कंट्री एग्री नहीं करती, जैसे अक्सर चाइना कलेश कर देती है, नहीं करेंगे. यूएस भी जब तक ट्रंप था तब तक तो नहीं करती थी चीजों से एग्री. फिर क्या करती है यूनाइटेड नेशन? सीधा बोलती है कि अगर आप इससे मना कर रहे हो, लंबा प्रोसेस है ये, ठीक है, इजी नहीं होता, लंबा चलता है. तो यूनाइटेड नेशन बोल देती है कि अगर आप इस ट्रीटी से मना कर रहे हो, आप नहीं कंट्रीब्यूट करोगे कार्बन डाइऑक्साइड धरती पे कम करने के लिए, तो कोई भी नेशन जो जितने भी कंट्रीज यहाँ पे साइन कर रही है ना वो कंट्री आपके साथ ट्रेड नहीं करेगी. तो बोल देगी कि चाइना कि अगर आप ऐसा करोगे तो इंडिया से आपके वहां पर कोई चावल नहीं आएगा क्योंकि ट्रेडिंग होती है हर कंट्रीज में. ठीक है. तो हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर है चावल के, तो हम कोई चावल नहीं भेजेंगे तुम्हारे यहाँ पे. ठीक है. हमारे यहाँ से कोई आम नहीं आएगा, सबसे ज्यादा वैरायटी आम की हमारे यहाँ पे आती है, तो हम ट्रेड कर लेते हैं. और भी बड़ी बड़ी चीजों की ट्रेड होते हैं,
मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल दैट, ठीक है। तो यूएन कॉन्फ्रेंस का काम है लोगों को इकट्ठा करना, देशों के रिप्रेजेंटेटिव को, एक ग्लोबल टॉपिक पे डिस्कशन करना, उसको सॉल्व करने के रेमेडीज बनाना, फिर लोगों का उसको साइन करना, नेशंस का, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, और जो ये ना माने तो उसके खिलाफ कोई कदम उठाना, ये यूएन यूएन करता है। तो यूएन बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस करती है, COP लिखा है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, बहुत सारी पार्टीज एक साथ आएगी, पार्टीज मतलब इंडिविजुअल्स फ्रॉम डिफरेंट नेशन, तो हम इसे ऐसे लिखते हैं कॉप, COP, आपने सुना होगा, अभी कॉप आई थिंक 23 चल रहा है ज्यादा मुझे याद है, ठीक है। तो कॉप बहुत सारे होते हैं, अभी कौन सा पूछ रहा आपसे, ये पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो जो PYQs में आता रहेगा उसको आपको याद कर लेना। तो यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऑन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज के ऊपर इन्होंने एक डिस्कशन रखी थी 2012 में, तो 2012 में जो डिस्कशन हुई थी वो हुई थी कतर, दैट इज इन दोहा, कतर दोहा के अंदर ये हुई थी, ठीक है, अपने UAE की कंट्री होती है। तो आपको इसके लोकेशन, इसका एजेंडा पता होना चाहिए, ठीक है। तो 2012 की वहां पे लिख लो होमवर्क में, 2012 की जो कॉप है ना उसका आपको एजेंडा, उसका एजेंडा क्या था, क्लाइमेट चेंज, और उसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, दैट इज दोहा एंड कतर, क्लियर है? समझ आया ना क्या बोला मैंने अभी? यो मैम। चलो ग्रीन हाउस गैसेस की बात करते हैं। देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्रीन हाउस गैसेस दो अलग चीजें हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसा होता है, आपने देखा होगा, जैसे आपको याद है मैं अर्थ बनाई थी जब एक बार, हमने ऐसे बोला था, वो सिंपल वे में करेंगे इसको, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। हमने बोला था कि ये वाला जो लाइन होता है ना इसको आप बोलते हैं ट्रॉफिकल, इसके ऊपर टेम्पलेट, टेम्पलेट नहीं टेम्परेट, और ऊपर होता है पोल्स। अब टेम्परेट में भी ठंडी तो कम होती है, गर्मी तो कम होती है एज कम्पेयर टू ट्रॉफिकल। तो मान लो टेम्परेट में प्लांट उगता है जो मेडिसिनल है, ठीक है, मेडिसिनल है, मैं चाहती हूँ मेडिसिनल प्लांट ना, सॉरी टेम्परेट में उगाते नहीं उगाते, लेट्स से कि प्लांट उगता है ट्रॉफिक में, ये है मेडिसिनल, ठीक है, मेडिसिन बनती है इससे। अब जो टेम्परेट रीजन में कंट्रीज रहते हैं कहते हैं यार हर बार ना ट्रॉफिकल रीजन की कंट्री से मंगाना महंगा पड़ता है, हम यही उगाएंगे। अब ये उगा नहीं सकते अपने यहाँ पे प्लांट, क्योंकि भाई यहाँ पे इतनी हीट ही नहीं आती। अब ट्रॉपिकल में जो प्लांट उगता है उसको तो अच्छी हीट की आदत है, तो टेम्परेट वाले क्या करेंगे, एक आर्टिफिशियल मीडियम क्रिएट करेंगे कि इतनी हीट जनरेट हो। तो क्या करेंगे, इस प्लांट को, जो मेडिसिनल प्लांट है, इसके छोटे छोटे प्लांट्स को रखेंगे और एक कांच के रूम के अंदर रख देंगे इसको। सुन, देखा होगा आपने, ये कांच का रूम कहलाता है ग्रीन हाउस, क्या बुलाते हैं, ग्रीन हाउस। करता क्या है, इस कांच की स्पेशलिटी है, ये क्या करेगा, ये हीट को अंदर आने देगा, हीट एंटर करती है लेकिन ये कभी भी हीट को रिलीज नहीं करने देता पूरे तरीके से, ठीक है, काफी सारी हीट अंदर रह जाती है, ठीक है। तो अगर हीट सारी एंटर करती है लेकिन सारी रिलीज नहीं हो पाती, तो अंदर का टेम्परेचर बाहर के कंपैरिजन में कैसा होगा, ज्यादा। तो टेम्परेट रीजन में भी हॉट टेम्परेचर क्रिएट हो गया ना, तो ये प्लांट ग्रो कर जाएगा। दिस इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट धरती पे भी होता है, कैसे होता है, ये बना लिया आपने ऐसा रब सा, थम्स अप कर दो। अब देखो धरती पे कैसा होता है, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता तो धरती होती बहुत ही गर्म, नेगेटिव में टेम्परेचर होता, ठीक है, नेगेटिव में टेम्परेचर, ऐसे नहीं बोलना और ऐसे रैंडमली याद नहीं करना, NCERT ने दे रखा है उतना ही याद करना है। ये रेडियो एक्टिव वेस्ट हमने अभी पढ़ा ना, जो मैंने आपको पढ़ाया वो यहाँ पे यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग में आपको टेम्परेचर देते हैं यहाँ पर, ये डायग्राम आ जाता है, एक तो ये पाई चार्ट आता है और ये डायग्राम अभी करेंगे। तो देखो ये बहुत अच्छे से बोल रहे हैं, अर्थ का टेम्परेचर था -18 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अभी करंट अर्थ का टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस, जनरल टेम्परेचर है। अब कहीं ठंड होगी तो ऑब्वियसली कम हो जाएगा, गर्मी होगी तो ज्यादा होगा, पर एक नॉर्मल टेम्परेचर जो है दैट इज 15 डिग्री सेल्सियस, नहीं तो 18 डिग्री सेल्सियस में रहते हैं हम हर टाइम, लेकिन हमारा 18 डिग्री सेल्सियस क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या होता है कि नेचुरल फिनोमेना है ग्रीन हाउस इफेक्ट, नेचुरल ही होता है नेचर में, भगवान ने बनाया है इसको ऐसा, हमारी गलती नहीं है, पहले तो ये क्लियर कर लो। तो ये जो अर्थ है ना, मैं ये अर्थ का सर्फेस बना रही हूँ, ठीक है, सो दिस इज अवर अर्थ। अब अर्थ में ना जो गैसेस होती है ना, कुछ गैसेस हैं जो हमारे यहाँ से निकलती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वो ना पूरे अर्थ के आसपास लेयर बना देती है। तो इमेजिन करो एक बॉल है और उस पूरे बॉल के आसपास बाहर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड का एक क्लाउड बन गया। और कौन सी गैसेस होती है, मिथेन भी होती है उसमें, ठीक है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी, चलो हमारी तरफ से। तो कार्बन डाइऑक्साइड मिथेन तो एक नेचुरल गैसेज है। देखो मिथेन जो है आपको मिलेगी
जितने भी एग्रीकल्चर पेडी फील्ड है जहाँ चावल लगते हैं वहां से मिथेन रिलीज होती है, और जो भी गाय भैंसे पालते हैं उनके गोबर से भी मिथेन निकलती है, तो मिथेन तो निकलती है एनवायरनमेंट में, सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड में निकलेगी, हमारी नाक से तो निकल ही रही है ना, सारा तो प्लांट नहीं कंज्यूम कर लेगा ना, मानने वाली बात है। और तो ये जो गैसेस होती है ना, ये गैसेस क्या करती है, गैसेस बना लेती है क्लाउड, बहुत बड़ी सी शील्ड अर्थ के आसपास। अब देखो होता क्या है, जो सन होता है ना, सन की हीट अर्थ के सरफेस पर बढ़ती है, ये पड़ी ठीक है, कुछ हीट सन की अर्थ एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ को रेडिएट बैक कर देता है, लेकिन इस शील्ड की वजह से ना, गैसेस की शील्ड की वजह से कुछ रेडिएशन बाहर नहीं जा पाती और धरती पे रह जाती है। अब सोचो लाइट गिरी मेरे ऊपर और सारी रिफ्लेक्ट बैक होगी तो मेरा सरफेस तो ठंडा ही रहेगा, लेकिन लाइट गिरी मेरे ऊपर, मैं अर्थ हूं और मैंने कुछ लाइट को होल्ड कर लिया और बाकी को रिफ्लेक्ट बैक कर दिया, तो मैंने होल्ड कर लिया ना, तो मेरा टेम्परेचर थोड़ा गर्म रहेगा, तो अर्थ गर्म है बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये बात समझ आई? तो ये तो नॉर्मल है, ये तो होना भी चाहिए है ना, नॉर्मल कंडीशन है, मेंटेन द अर्थ सरफेस। प्रॉब्लम का है, प्रॉब्लम है कि ये जो हमने गैसेस बनाई है ना, इसका अमाउंट इंक्रीज कर दिया। अगर आप इसका थोड़ा सा भी अमाउंट इंक्रीज कर रहे हो तो उससे हो क्या रहा है, ये अर्थ थी ऐसे था ना, अब देखो जो गैसेस की चद्दर है वो इतनी मोटी बन गई। हां जी बोलो। ओजोन लेयर डिप्लेशन होगा अगर ज्यादा गैसेस होगी तो? नहीं, ओजोन लेयर डिप्लेशन इसकी वजह से नहीं होता, उसका बताती हूं मैं ठीक है। यस मैम। तो देख मोटी मोटी गैस होगी, अब प्रॉब्लम क्या है, सनलाइट देख लेते हैं, जब सनलाइट एंटर कर रही थी, बहुत बढ़िया एंटर करेगी अभी भी, ऐसे कुछ नहीं है, पेनिट्रेट कर जाती है ठीक है, लेकिन अब कोई भी बाहर नहीं निकल पा रही, सारी धरती में रह रही है, अगर कोई बाहर नहीं निकल पा रही तो क्या हो रहा है अर्थ के साथ, ओवरहीटिंग, और अर्थ की ओवरहीटिंग को आप क्या बोलते हैं, ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग है ना, ग्लोबल वार्मिंग, उसका सच्ची में मतलब होता है कि धरती जो ग्लोब है वो गर्म हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम है। तो ये जो गैसेस का क्लाउड बन गया ना, इनको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, समझ आया? यो मैम ये है एक्सेसिव ग्रीन हाउस गैसेस, इतना सही कॉन्सेप्ट है, क्लियर है? यो मैम अब आपको समझना क्या है वो मैं बता देती हूँ। पहला, ग्रीन हाउस गैसेस का परसेंटेज कितना होता है एनवायरनमेंट में, तो ये हमें पाई चार्ट से ही करना है। देखो एग्जैक्टली ये लेबल होने के लिए आ सकता है या आपसे थ्योरी में पूछ सकते हैं, तो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसके बाद होती है हमारी मिथेन 20%, आपको परसेंटेज पता होनी चाहिए, फिर होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज ह्यूमन मेड, हमने बनाई है ये धरती पे नहीं थी, कार्बन डाइऑक्साइड मिथेन यार खुद से बनी है, नाइट्रोजन ऑक्साइड खुद से बने हैं, हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाई है, जो प्लेन जाते हैं ना उनका जो पीछे धुआं निकलता है ना उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है ठीक है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड दैट इज 6%। ऐसा नहीं है इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है, जैसे ओजोन, ओजोन इन ट्रोफोस्फेयर दैट इज ऑल्सो ग्रीन हाउस गैस, ये भी ग्रीन हाउस गैस का काम करती है, मतलब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करती है, लेकिन उसके यहाँ जिक्र नहीं होता, मेन ये चार गैसेस है, इस पे क्वेश्चन आएगा, क्लियर है? ये बात यहाँ समझा रहे हैं, ध्यान से देखना, सनलाइट पड़ी, एरो देखो यहाँ जा रहा है, कुछ रेडिएशन बाहर चली गई, यहाँ पे दिखा रहे हैं रेडिएशन बाहर जाना चाहती है, जा नहीं पा रही, वापस अंदर आ रही है ठीक है। सो ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशंस फ्रॉम द अर्थ एंड एमिटेड अगेंस्ट टुवर्ड्स द अर्थ, द साइकिल कंटिन्यू टिल द अर्थ सरफेस हैज नो लॉन्ग वेव रेडिएशन टू एमिट, ठीक है। इसका क्या मतलब है, सिंपल कर दू तो, द ग्रीन हाउस गैसेस अलाउ करते हैं शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन टू कम, तो जो रेडिएशन आ रही है शॉर्ट वेवलेंथ की है, शॉर्ट वेवलेंथ की है तो कौन सी होगी, विबग्योर में वायलेट, जब हम यहाँ पे ऐसे जाते हैं ना राइट हैंड साइड इंफ्रारेड की तरफ जाते हैं, तो जो वेवलेंथ होती है वो इंक्रीज होती है ठीक है, और जो एनर्जी होती है वो डिक्रीज होती है, आई थिंक मैं यही बोल रही, सही बोल रही हूँ यस मैम, मोहित सही बोल रही हूँ बेटा मैं, मनीषा यस मैम, नेहा यो यो मैम, शशा, तानिया सही है ना बेटा ठीक है। तो क्या कह रहे, कौन सी लाइट एंटर कर पा रही है, फॉर एग्जांपल शॉर्ट वेवलेंथ की, लाइक वायलेट, वायलेट इंडिगो ब्लू, और जो बाहर निकलती है दैट इज लॉन्ग वेवलेंथ, दैट इज रेड, रेड लाइट और ऑरेंज लाइट, उसकी बात हो रही है। तो ये कह रही है कि शॉर्ट वेवलेंथ आ तो रही है लेकिन लॉन्ग वेवलेंथ बाहर नहीं जा पा रही,
लो एनर्जी की होती है वो, लेकिन वो अर्थ को हीट अप कर देते। तो याद रखना, आएगा छोटा, जाना चाहिए था बड़ा, बस इसको याद रखना। आते हो छोटे एक ट्यूशन पढ़ने, जब तक तुम यहाँ से जाओगे तुम बड़े हो जाओगे, है ना, ऐसे याद रखना। यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर है सबको? अब देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस। कौन सी दो मेन रिस्पॉन्सिबल थी, एक 60% थी, एक 20% थी? कार्बन डाइऑक्साइड और डाइऑक्साइड एंड मीथेन। आंसर वुड बी ए। सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल समझ ले, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ये हो गया ग्रीन हाउस गैसेस का पॉइंट, बहुत सिंपल था ये, कुछ भी नहीं था देखा जाए तो, है ना। रेडियो एक्टिव वेस्ट हमने कर लिया, अब हम करते हैं सॉलिड वेस्ट। कहाँ गया सॉलिड वेस्ट? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के साथ आएगा ये, सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट का क्या मतलब है? जैसे म्यूनिसिपल से वेस्ट आता है, घरों से वेस्ट निकलता है, हॉस्पिटल से इंजेक्शन आ गए, सबसे खतरनाक हॉस्पिटल का वेस्ट है। अब सोचो किसी ने HIV वायरस वाले खून है उस इंजेक्शन में, तुम उसको ऐसे थोड़ी फेंक दोगे, किसी को लग गया तो प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। सॉलिड वेस्ट में और क्या हो सकता है? ये डब्बे हो गए घर के, या प्लास्टिक के कंटेनर्स हो गए, कितनी सारी चीजें है ना। तो दीज ऑल आर सॉलिड वेस्ट। अब इनको कहाँ डाले? तो जनरली क्या होता है, आपने देखोगे कूड़े घर बने होते हैं बड़े बड़े से, आप कूड़े घर में छोड़ाते हो, कूड़े घर में आप छोड़ाते हो, उसके बाद वो क्या करते हैं, उसको वो डंप कर देते हैं, ऐसे खुदाई करते हैं, उसके अंदर वेस्ट डाल देते हैं। दिक्कत ये है कि सारा वेस्ट ओपन है, इसके ऊपर घूमते हुए मिलेंगे आपको बाज वगैरह, है ना, और गिद्ध आपके उसके ऊपर घूमते मिलेंगे, यहीं पे सारी काउज आके ऐसे चरने की कोशिश करेगी। तो इससे होता क्या है कि जो हार्मफुल मटेरियल है ना उसके कॉन्टेक्ट में सब आते हैं। आपने देखा ऐसे एरियाज में लोग रहते भी हैं, है ना, जिनकी चौल वगैरह यहाँ होते हैं, तो सोचो वो कितने कंटेमिनेटेड एरिया में रहते हैं ना। अब यहाँ पर आर्सेनिक पड़ा है, यहाँ पर एड्स वाली वायरस से भरी हुई इंजेक्शंस पड़े हैं, ड्रग्स पड़े हैं, बच्चे कांटेक्ट में बहुत आराम से आ सकते हैं ना। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। सॉलिड वेस्ट का डिस्पोजल बहुत बड़ा इशू है, हमारे पास इतना वेस्ट है कि हमारे पास जगह नहीं है डिस्पोज करने की। तो नीट आपसे दो तरीके डिस्कस करेगा, देखो ये थ्योरी है, एक बार ये पढ़नी तो आपको पड़ेगी, ये आपको तरीके दो बताएगा। क्या कह रहा है ये कि डिस्पोजल के दो तरीके हैं जिससे क्वेश्चन आता है। हाँ बोलो। मैम आपने बोला ना जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो कांच होता है वो स्पेशल टाइप का कांच होता है या फिर नॉर्मल होता है जैसे? उसकी ना कोटिंग होती है। अब देखो एक्चुअली ना हर जगह पे ना डिफरेंट डिफरेंट होता है, मैं ये नहीं बता सकती यार, कोई एग्जांपल है तो बता, मैं उस जगह का पता करके बताऊं, एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती। नहीं ऐसे पूछ रही हूँ मैं कि वो अलग टाइप का होता है या फिर जैसे नॉर्मल कांच होता है वैसे ही होता है। जनरली तो नॉर्मल से ही कांच होता है। कभी तुम नोटिस करना कि अगर तुम रूम पे बैठे हो ना तो तुम शीशे खोल, अपने खिड़की अगर शीशे वाली है तो खोल के ना धूप को अंदर आने देना, पर धूप लेना, उसके बाद शीशे बंद करना और शीशे के आगे बैठना, तुमको हीट अलग इंटेंसिटी की फील होगी। यो मैम पर करके देखना, दरवाजे बंद करके ना रूम जब हीटअप होता है ना तो वो बाहर नहीं जा पाता, आपको सारे दरवाजे खोलने पड़ते हैं। तो वो होते हैं जो कांच नॉर्मल कांच होते हैं पर हम उसको खोलते नहीं है, इसलिए हीट अंदर बिल्डअप हो जाती है, ठीक है। यो मैम बाकी टेक्निक्स बहुत आ चुकी है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कहीं पे कोई स्पेशल कांच हो, पॉलीमर्स हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो अब सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल क्या है कि सॉलिड वेस्ट को कैसे करें? तो देखो दो तरीके, एक है इंसिनरेशन और एक पायरोलाइसिस, दोनों पे क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, पता होना चाहिए आपको। इंसिनरेशन और पायरोलाइसिस क्या है? कुछ नहीं है, अब बर्न कर दो, बोथ तरीके आर बर्न इट। बोलोगे मैम इससे तो एयर पॉल्यूशन होगा, हाँ भाई हो तो रहा है, एक पॉल्यूशन को हटाने के लिए दूसरा पॉल्यूशन तो हो रही है, तो सच है। लेकिन अब कैसे इसको बर्न कर सकते हो? देखो पहले तो हम यही करते थे कि हम गड्ढा खोलते हैं, गड्ढे में डालते हैं गंद, ये डाला सारा वेस्ट, ये वेस्ट है। फेस के ऊपर तुम एक लेयर डाल दो किसकी, मिट्टी की, सोई डाल दी, इसको प्रेस कर दो अच्छे से मशीन से, मैकेनिकली आप इसको प्रेस कर दो घुसा मार मार के, चलो सेटल हो गया नीचे, कोई बात नहीं। लेकिन बेटा फिर इसके ऊपर दोबारा वेस्ट डालोगे, फिर उसके ऊपर मिट्टी डालोगे, आप ये करोगे, फिर से इसको दबाओगे, कितना दबा लोगे? एक अकेला स्टेट ही बहुत सारा गंदगी हर रोज की जनरेट करता है। तो प्रॉब्लम ये है, ये ओपन डंप है, ओपन डंपिंग की प्रॉब्लम ये है कि कोई भी इसके कांटेक्ट में आके बीमारी ले सकता है, प्लस यहाँ से लीचिंग होती है। लीचिंग क्या होती है? जो टॉक्सिन्स होते हैं वो सॉइल में चले जाते हैं, लीचिंग ऑफ टॉक्सिन्स। अरे कभी देखो घर से अगर तुम लोग प्याज टमाटर किचन वेस्ट देखना, किचन वेस्ट को कचरे में डालो, वहां पे थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर आ जाता है, इसलिए मम्मी जनरली मम्मी पापा क्या करते हैं जो डस्टबिन होता है उसमें पॉलिथिन लगाते हैं, फिर उसके अंदर वेस्ट डालते हैं। किचन वहां पे होती है तो सोचो यहाँ नहीं होगी, यहाँ पे तो बहुत कुछ है। ब्लड होगा वो भी तो लीक करेगा ना, ऑब्वियसली ऑब्वियस बात है। तो ओपन डंपिंग अच्छी नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं बर्न कर देते हैं। अगर आप ध्यान से सुनना,
अगर आप बर्न कर रहे हो वेस्ट को, इंजेक्शन वगैरह लेके तो उन्होंने बर्न कर दिए इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आप उसको कहोगे इंसिनरेशन, और अगर आप बर्न कर रहे हो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो आप उसको कहोगे पायरोलाइसिस। अब तुम बोलोगे मैम ऑक्सीजन की एब्सेंस में आग कैसे लग गई, आग को तो ऑक्सीजन चाहिए। जब आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करते हो ना तो वो वैसे नहीं जलता जैसे आग से धीरे धीरे कोई चीज जलती, वैसे जलता फुक फुक करके जलेगा वो एकदम से धमाके सा, एकदम से सब कुछ बर्न हो जाएगा। तो पायरोलाइसिस होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में सॉलिड को बर्न करना, और इंसिनरेशन होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में सॉलिड को बर्न करना, फिर वो जो उसकी एसिड एशेज है उसको डिस्पोज ऑफ कर दो। ठीक है, तो दीज आर टू मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। क्लियर है? आई थिंक पायरोलाइसिस शायद मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में, तो आप यहां से देख सकते हो। क्लियर? देखो दोबारा से कॉप आ गया, ये आता रहेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली क्या करना है, हर ईयर का डाल देना और उसका एजेंडा लिख लेना कि उसका उस दिन उस टाइम एजेंडा क्या था। ये बुक में है कि हमें मतलब खुद से करने पड़ेंगे, खुद से करना पड़ेगा आपको जहाँ पे भी पीवाईक्यू मिलेगा। जैसे बेटा तू नर्सिंग का प्रिपेयर कर लिया मान लो, है ना, सब डॉक्टर थोड़ी कर रहे हैं, कोई जिपमर से बुक से कर रहा है, तो वहाँ पे जहाँ मिलेगा कॉप वो लिख लियो। गुड, द यूएन कॉन्फ्रेंस, यूएन का कॉप जो हुआ है 2012 का कहाँ हुआ था? क्वार्टर में हुआ था, कौन सी जगह? कतर में, दोहा। ठीक है, दोहा। अब 2011 की बात कर दिया तो ये तो सीक्वेंस में लिख सकते, ये हुआ था साउथ अफ्रीका में, तो आंसर वुड बी ठीक है। आपको धीरे धीरे ये इरादे करना पड़ेगा, मैं इसमें कुछ कर नहीं सकती। ठीक है जी, तो ये तो आपको बना के खुद से करते रहना और बहुत बार पढ़ना पड़ेगा तभी याद होगा। मेरे को भी ये दोनों याद है, अगर तुम मुझसे पूछ लोगे 13 का तो मेरे को भी एकदम से याद नहीं आएगा, है ना, मुझे भी नहीं पता यार, याद नहीं है मुझे सीक्वेंस पे, लेकिन पीवाईक्यू देख देख के याद हो गया। तो ग्लोबल वार्मिंग कैन बी कंट्रोल, अगर आप ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल करना चाहते हो, धरती का इतना गर्म होना, क्या करोगे? इंक्रीजिंग डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग डिफॉरेस्टेशन होगा नहीं, डिक्रीजिंग डिफॉरेस्टेशन, ये बात तो सही है, ये तो ठीक है, और कटिंग डाउन यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल के यूज को कम कर दो, ये भी बात सही है, तो ये तो अच्छा, ये अच्छे पॉइंट है, आपको अच्छा आंसर है। नहीं, रिड्यूसिंग रिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन मतलब उसी का दूसरा नाम क्या होता है? एफॉरेस्टेशन। ये कह रहे इसको रिड्यूस कर दो तो गलत है, तो आंसर वुड बी सी। क्लियर है ना, ये इतना मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, है ना, फुल फॉर्म लिखी है। चलो एक बार ट्राई करना, अच्छा एक सेकेंड, ठीक है, आज क्लास के बाद 20 मिनट्स के लिए मिलोगे, मिल सकते हो। इसके दो टॉपिक रहते हैं, हम उसमें कर लेंगे, अभी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं पेपर जो हमारा आपका मैंने होमवर्क दिया था ना, वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, 20 मिनट्स के लिए मिलेंगे, तो वो जोन वाला टॉपिक एक बार हमें पढ़ना है, और एक जॉइंट फॉरेस्ट मूवमेंट मुझे आपको बताना है डागर के बारे में। चलो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज बताओ, क्वेश्चन नंबर 1-5, किसी में डाउट कहीं फंसे? नो नो मैम। बेटा चलो ऐसा करते सब चुप हो जाओ, जिसको डाउट है रेज योर हैंड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1-5, 1-5 क्वेश्चंस में किसी को डाउट कहीं फंसे रेज योर हैंड। प्रिया बोलो बेटा। मैम फिफ्थ वाला कितना एक्सप्लेन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डिजीजेस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ये क्वेश्चन आपको लर्न ही करने पड़ेंगे, और ये क्वेश्चन तब लर्न होंगे जब आपकी डिजीज होगी,
तो ये अगर इसमें फंसे हो ना तो आपकी डिजीजेस वीक है, ठीक है, तो आपको डिजीजेस के चार्ट करने पड़ेंगे। जैसे कॉलेरा का आपको पता है ना कैसे बनाते हैं, हम लिखते हैं डिजीज का नाम, फिर हम उस नीचे लिखते हैं कॉजेटिव एजेंट उसका क्या है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है और उसके सिम्टम्स क्या है, और फिर नीचे मेंशन कर देते हैं अगर उसका कोई टेस्ट है। यही चार चीजें हम लिखते हैं किसी भी डिजीज के बारे में, है ना। Yes, तो तुझे ऐसे चार्ट बनाने पड़ेंगे बेटा, इसका और कोई इलाज नहीं है, ठीक है। अभी इसे सॉल्व करते हैं कि ऐसी कौन सी सेट ऑफ डिजीज है जो बैक्टीरिया से हो रही है, राइट। तो देखो हर्प्स बैक्टीरिया से होता है लेकिन इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया से नहीं होता, इट्स अ वायरल डिजीज। सेल्मोनेला इन्फ्लुएंजा वॉज अ डिफरेंट थिंग, वो बैक्टीरिया था लेकिन वो इन्फ्लुएंजा कॉज नहीं करता था। क्या कॉज करता था वो? टाइफाइड। टाइफाइड, अच्छा, निमोनिया, सॉरी निमोनिया करता था, टाइफाइड नहीं करता था। टाइफाइड में टाइफाइड मैरी का केस पड़ा था, यूनिक हमने बस, ठीक है। तो ये देख, ये बैक्टीरिया नहीं है, ये वायरल है। टेटनस एंड मम्स, मम्स कैसे होते हैं? वायरल। टाइफाइड एंड स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स आर वायरल। कॉलेरा इज बैक्टीरियल, टेटनस इज बैक्टीरियल। क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई से टेटनस होता है, कॉलेरा किससे होता है? विब्रियो कॉलेरा। विब्रियो कॉलेरा, तो ए ऑप्शन है जिसमें दोनों बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। तो ये आपको आपको नोट्स ही बना के अपडेट करते रहना पड़ेगा, याद करते रहना पड़ेगा। चलो अब है नेक्स्ट डाउट इज क्वेश्चन नंबर 5, 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक, किसी को डाउट रेज योर हैंड, जिसको भी डाउट है क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। हाँ भूमि बोलो बेटा। क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले किसी ने डाउट पूछा था? मैम एक बार 4 और 3 बोला है किसी, मतलब 4 मैं बोल रही हूँ, 3 किसी ने लिखा हुआ है, तो हाथ क्यों नहीं रेज कर रहे थे मोहित? 3 क्वेश्चन में डाउट है, 4 भी समझा देना, ठीक। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ रिप्रेजेंटिंग द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर कौन करता है? सेल्मोनेला टाइफी, है ना। तो सेल्मोनेला टाइफी यहाँ 2 है, यानी कि ये दोनों आंसर हो ही नहीं सकते। एंड कंफर्मेटरी टेस्ट, तो टाइफाइड का कंफर्मेटरी टेस्ट हमने सबसे पहले किया था, दैट वाज राइट। तो आंसर वुड बी ए। ये कैसे गलत हुआ, इसका आपको रिवाइज नहीं किया होगा आपने, यहाँ गलत हुआ होगा, है ना। ये प्रॉब्लम आई थी या मैम? नहीं, मैंने ये पूछी मैम जो बाकी 2 टेस्ट है वो सही है। अच्छा और टेस्ट इसका हम, अच्छा और टेस्ट इसको हम किसमें यूज करेंगे बेटा? ये तो तुझे बनाते रहना पड़ेंगे नोट्स। देख अभी तक नीट जो पूछता है ना, जो हम कंफर्मेटरी टेस्ट की बात करते हैं, ये आता है विडाल टेस्ट आता है, हमें आता है एलाइजा, ठीक है। ये 2 मेजर टेस्ट आता है और एक ब्लोटिंग आती है, नदन ब्लोटिंग एंड सदन ब्लोटिंग, ये हम करते हैं, ठीक है, ये हम करते हैं नीट में। लेकिन कभी कभार कुछ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आता है, जैसे एम्स का पेपर ही हो रहे हो तो थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आता है, तो ये तुझे एक बार बैठ के बनाने पड़ेंगे, ओके। यूटीआई टेस्ट इज अगर आपके यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन होता है ना, तो ये टेस्ट कंडक्ट करते हैं, लेकिन इसके आपको एक बार अच्छे से नोट्स बनाने पड़ जाएंगे। तो ज्यादा कुछ मत कर, एक एंथ्रॉन टेस्ट लिख दे, यूटीआई टेस्ट लिख दे, उसकी डेफिनेशन लिख लेगी तुझे, वहीं खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये तो तुझे बच्चे एफर्ट करना पड़ेगा इसके अंदर, इसके अंदर मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, है ना। चलो नेक्स्ट कौन सा बोला था इसने? सीधी लाइन थी एनसीईआरटी की, लिम्फेटिक वेसल्स फूट जाते हैं, क्या नहीं आता था इसमें बता? डाउट क्या था? कंफ्यूज हो गई थी मैं। हाँ डिजीज रिवाइज नहीं थी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 बोला था किसी ने? यो मैम। मैच द डिजीज एंड इट्स करेक्ट टाइप ऑफ वैक्सीन, करेक्ट टाइप ऑफ वैक्सीन से उसको बिलाना। ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। तुमने फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन वैक्सीन करी है? यस मैम। मैंने तुम्हें पढ़ाई है? नो मैम। मैम उनको नहीं पढ़ाई है, जहां तक मुझे याद है स्कूल में की थी, नहीं नहीं हमने यहाँ पर भी आई थी, हमने यहाँ पर नहीं की थी फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन वैक्सीन, ये मुझे पिछली क्लास में हर्ष ने याद दिलाया था। सो ये वाला एक मिनट के लिए रुक जाना क्वेश्चन, ये जो मैं तुमको जनरेशन वैक्सीन कराऊंगी कल, ठीक है, कल तुम लोगों का मैं
क्लास के बाद आ जाना 15 मिनट के लिए, तो तुम लोगों को ये टॉपिक करा दूंगी, ओके? क्योंकि पीवाई उसमें क्वेश्चन आ गया, ये क्या कहते हैं, टेस्ट में भी क्वेश्चन आया ना, तो हमें कराना पड़ेगा, ठीक है? तो बेटा इसके लिए रुक जाओ, उसके बाद तेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, एक बार मैं कॉन्सेप्ट फिर उनको भी समझा दूंगी, क्योंकि उन्हें भी समझाना मैंने, ठीक है? नेक्स्ट और बताओ मुझे, 9, 8, 9, 10 किसी का है 10 तक? नहीं मैम, 11 वाला बता दो, अभी 11 पे आई नहीं मैं, 10 तक नहीं है तो मुझे 11 to 15 बताओ भाई, एक 11 हो गया। Identify the site where Vishwaresha Bancroft is normally found in human body. अब human body में generally कहाँ मिलता है वो? मैम lymphatic. Lower limbs. क्या हो गई? ये गलत कैसे हो रहा है? मैम 11 हो रहा है। अच्छा। अच्छा, motile zygote of plasmodium occur in. तो plasmodium का जो motile zygote होता है वो आपको कहाँ मिलता है? Motile zygote. Zygote बोला उसने। तो जो सेक्सुअल फेज होता है ना प्लाज्मोडियम के पैरासाइट का, वो होता ही मस्कीटो के अंदर है। मस्कीटो के गट में, ऐसे हम गट बनाते थे, उसके मिड गट के अंदर हम कहते थे कि वो ब्लड से गैमेट ले लेता है, फिर वो गैमेट यहाँ फ्यूज करके जायगोट बनाती है। यार जायगोट तो बनता ही गट में है ना, तो मोटाइल जायगोट स्टेज आ ही सकते हैं फीमेल के गट में। सैलिवरी ग्लैंड में नहीं आती, वो सैलिवरी ग्लैंड में जाता है और वहां जाके मॉडिफाई होके इमोटाइल बन जाता है, जिसको आप पापा बुलाते हैं स्पोरोजोइट। बहुत सारा माइटोसिस करता है ये, तो स्पोरोजोइट्स इमोटाइल होते हैं, वैसे थोड़ी भागते हैं, वो ब्लड के फ्लो के साथ चले जाते हैं, ठीक है? तो मोटाइल जायगोट जो होगा वो सिर्फ मिडगट, और वो तभी वो मिडगट से सेलिवरी ग्लैंड तक आता है। तो आंसर वुड बी ए। समझ आया? चलो किसी का 12, 13, 14, 15 बोलो बोलो, आवाज नहीं सुनी। 13, 14, 15 कॉमन कोल्ड डिफरेंट फ्रॉम निमोनिया। कॉमन कोल्ड निमोनिया से डिफरेंट होता है। कॉमन कोल्ड कौन करता है? बैक्टीरिया, वायरस, राइनोवायरस की फैमिली। और निमोनिया कौन करता है? बैक्टीरिया, स्टेफिलोकोकस निमोनिया और इन्फ्लुएंजा वाला है ना। तो हमें क्या बनाना है, डिफरेंस से ही बताना है। निमोनिया इज ए कॉम्युनिकेबल डिजीज वेयर कॉमन कोल्ड इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी तो नहीं है, ये तो गलत हो गया है ना, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी थोड़ी है, ये नहीं हो सकता आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, निमोनिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय अ लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन। निमोनिया कौन कौन कर रहा है? वेयरएस कॉमन कोल्ड हैज मोर इफेक्टिव वैक्सीन। वैसे स्टेटमेंट काफी हद तक तो सही है कि कॉमन कोल्ड की कोई इफेक्टिव वैक्सीन तो नहीं है, लेकिन लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन तो नहीं हम यूज करते निमोनिया के केस में। कॉमन कोल्ड हमारा सिर्फ नोज और रेस्पिरेटरी सिस्टम तक जाता है, पर लंग तक नहीं जाता है। ये स्टेटमेंट सही है, आंसर विल बी डी, है ना, क्योंकि ये हमने एनसीईआरटी में भी पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 से 20 तक किसी को पता है तो बोलो, डाउट 15 to 20 कोई डाउट नहीं? 15 to 20 नहीं है बेटा, ऑल गुड है, तो फिर रेज वो कर दो, थम्स अप कर दो। हाँ बोलो, डाउट है? कितने क्वेश्चंस है इसके? लेट्स सी, लेट्स सी 100 क्वेश्चंस है। हो जाएंगे टेस्ट से पहले, है ना, बढ़िया ठीक है। चलो बढ़िया, अगर आपको हो गया है तो फिर हम एक चीज पे आ सकते हैं, यू कैन डू दिस क्वेश्चन देन। कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? 5th, 6th, 7 आई डोंट नो नंबर क्यों नहीं है इसमें, डिलीट कैसे हो गए। 7th करो फिर, देख लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान में रख के करना है इसे।
ग्रीन हाउस गैसेस देखो, क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड इज थ्रेटन्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग. क्लाइमेट अब सबसे ज्यादा डर किससे है उसे, ग्लोबल वार्मिंग. और ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जो गैस रिस्पॉन्सिबल है वही इसका आंसर होगा. अब देखते हैं वो गैस का नाम है या नहीं. डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन, यार ऑक्सीजन का अमाउंट डिक्रीज नहीं हो रहा, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ रहा है, तो ये तो है ही आंसर. इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एटमोस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ इसकी वजह से थ्रेट तो है. डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एटमोस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट डिक्रीज नहीं हो रहा, इंक्रीज हो रहा है. इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लेवल को इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा, जो मेजर फ्लक्चुएशन है वो कार्बन डाइऑक्साइड में आ रही है, तो आंसर वुड बी बी. देखा तो उस पाई चार्ट से इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, राइट. अब ये बताओ एट ग्रीन हाउस गैसेस पे ये. The two gases making highest relative contribution of greenhouse gases are methane and carbon dioxide. की percent 60%, 20%. बहुत बड़ा. चलो फिर फटाफट से अहमद खान का केस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. पॉलीब्लेंड, पॉलीब्लेंड ये जो बनाया था किन्होंने बनाया था, बाय अहमद खान. कौन से स्टेट में है ये इंडिया की? कॉलेज था जिसने मदद किया है, आरवी इंजीनियरिंग कॉलेज. कहाँ पर है ये कॉलेज? बैंगलोर. इन्होंने ले क्या किए थे? रोड्स. और रोड्स में किसकी कॉम्पोजिशन बनाई थी? बेटा माइक बंद करके गाना गाने. और बिटुमिन. रिसाइकल्ड पॉलिथिन प्लस बिटुमिन, इससे जो बना था दैट वाज पॉलीब्लेंड. पॉलीब्लेंड इनके अकॉर्डिंग कितने किलोमीटर लगभग बैंगलोर के रोड पॉलीब्लेंड से ले हो चुके हैं? मैम 40 किलोमीटर रोड. कब तक? कोई डेट दी थी? 2002 है ना. ये था अहमद खान का केस, राइट. अब इसके साथ ही मुझे बताओ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पायरोलाइसिस एंड इंसिनरेटर. रेज योर हैंड. हाँ जी नेहा. मैम पायरोलाइसिस में O2 की मतलब अब्सेंस में होती है बर्निंग, और इन इंसिनरेटर में O2 की प्रेजेंस में होती है बर्निंग सॉलिड वेस्ट. सही बोल रही. वेरी गुड. That's it, बच्चों. Good. 20 questions भी हो गया रे वाह. ठीक है, meet me for 20 minutes only. वो हम लोग खत्म कर लेंगे. इसको next class में नहीं लेके जाएंगे. Okay?